हेलो फ्रेंड्स, ये 1990 मैकबुक प्रो है, 2018 का मॉडल है ये। और ये पावर ऑन नहीं हो रहा है, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये हमारा एम्पियर मीटर है, 96 वाट का हमने चार्जर लगाया इसमें, तो ये कितना कंज्यूम करता है चेक करेंगे। और ये कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा है, कोई वोल्टेज नहीं खा रहा ये, है ना। और सारे पोर्ट में ही ऐसा हो रहा है, हमने चेक किया है, चाहे इसमें लगाइए या इसमें लगाइए, सेम ही है सब में, ब्लिंक कर रहा है, ना कोई एम्पियर ले रहा है और ना ही कुछ हो रहा है। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो ये बोर्ड हमने इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। और इसको माइक्रोस्कोप पे इंस्पेक्शन करने के बाद अपने को ऐसा पता चला है कि जैसे कि यहाँ पे किसी ने थोड़ा बहुत प्ले किया कैपेसिटर के साथ में, और यहाँ चार्जिंग आईसी के पास भी किसी ने थोड़ा बहुत ट्राई किया है, बट कहीं वाटर लॉक नहीं है। और जो एम्पियर मीटर है ना, इसको डालने से ऐसा फील होता है कि बोर्ड में कहीं शॉर्ट है, लेकिन ना ये देखिए ब्लिंक करेगा, ये खाली ब्लिंक कर रहा है खाली। और अभी उठाया इसने 0.5, एक्चुअली मैं इसको 20 वोल्ट उठाना है, बट ये 0.5 उठा रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ शॉर्ट है। और हम अगर थर्मल कैमरे में भी देखें तो क्या होता है देखते हैं। ये मल्टीमीटर है, इसको डायोड मोड पे सेट रखा है और बजर मोड पे, तो आप देखो। ओके, तो रेड प्रॉप कहीं पे भी ग्राउंड पर रखेंगे। अभी हमने चार्जिंग लगाया है ना, तो ये थोड़ा चार्ज हो गया रहेगा, इसीलिए इसको डाउन करेंगे। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे वोल्टेज चेक करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम सारे वोल्टेज चेक करने जाएंगे तो। मतलब जो इसका स्टैंड बाय सर्किट है वो ओके लग रहा है मुझे, कोई ना कोई सेकेंडरी वोल्टेज की शॉर्टिंग होगी, और उसको डायग्नोज करके मैं आपको बताता हूँ। और हमने ना सारे वोल्टेज चेक कर लिए, बट सारे जो प्राइमरी है वो ठीक है, और डायग्नोज करने पे हमको एक लास्ट में ये पता चल रहा है कि ये जो वोल्टेज है वो शॉर्ट है। देखिए आप, ये वोल्टेज शॉर्ट है, तो हमें स्कैमेटिक में देखना है कि ये किस लाइन का वोल्टेज है और क्या है। तो आइए चलिए स्कैमेटिक पे चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि हमने इसका बिट मैप ओपन किया हुआ है। इसका जो मॉडल नंबर है 1990 जो इसका मॉडल नंबर है, और बोर्ड नंबर जो है वो 8201814 है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है इस कैपेसिटर पे। इस कैपेसिटर पे जो लाइन है वो 1PP1.8 SD SSD 0, मतलब ये SSD का ही वोल्टेज है और ये बहुत जगह जा रहा है। तो हमें पता नहीं है कि अभी शॉर्ट क्या है, तो इसे देखते हैं कि शॉर्ट क्या है, क्योंकि इस पे वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे हम लोग तो हमें पता चलेगा कि शॉर्ट क्या है, अदरवाइज पता नहीं चलेगा। तो अब मैं आपको माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पे ले आया हूँ, आप देख सकते हो कि ये माइक्रोस्कोप की स्क्रीन है। और मैं इस पे जो कैपेसिटर शॉर्ट था उस पे मैं अब एक मैंने वायर ज्वाइंट किया हुआ है, जिससे कि हम वोल्टेज इंजेक्ट कर पाएंगे। और मैं इस पे स्मोक कर रहा हूँ, रोजन का जो स्मोक है वो इस पे छोड़ रहा हूँ, और देखेंगे कि क्या होता है जब मैं इसका मैंने वोल्टेज ऑन किया। और देखो यहाँ पे वोल्टेज इसका मेल्ट होने लगा, मतलब यहाँ पे जो आईसी है वो अब मेल्ट होने लग गई है। इसका मतलब कि ये आईसी ही जो है वो ख़राब है। आपको मैं थर्मल इमेज भी दिखा रहा हूँ, देखिए ये थर्मल इमेज है, ये मैं आपको दिखाया थर्मल इमेज, मतलब ये आईसी ही शॉर्ट है। तो कोई बात नहीं है, ये आईसी को हम लोग निकालेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। वैसे ज़्यादातर इन मॉडलों में ना हार्ड डिस्क शॉर्ट होती है, और अगर हार्ड डिस्क शॉर्ट है तो वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी अपन एक बार ये ट्राई कर रहे हैं कि हार्ड डिस्क बिना शॉर्ट हुए ही काम हो जाए अपना, और अच्छे से क्लीन करना है, क्लीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में इसको डायग्नोज करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बिकॉज ये 1.8 की जो SSD की लाइन है ना,
ये जल्दी शॉर्ट नहीं होती, मतलब हमारा भी कुछ एक्सपीरियंस है ना काम का, तो ज़्यादातर इसके G3H शॉर्ट होते हैं या फिर 3 वोल्टेज की लाइन शॉर्ट होती है या 5 की, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। ये तो एकदम अजूबा था, इसको डायग्नोज करने में मुझे काफ़ी लंबा टाइम लगा। ये दूसरा बोर्ड है, इसमें से हम IC निकाल रहे हैं। एक्चुअली में ये बोर्ड जो है ये 2141 है, A2141 मैकबुक है ये, उसमें और इसमें सेम ICs हैं, मतलब 1990 में भी पावर SSD सेम है और 2141 में भी पावर SSD सेम है। तो अगर आपके पास कभी नहीं हो तो आप इस मॉडल का भी यूज़ कर सकते हैं, ये 3-4 मॉडल में और लगती है। तो वैसे तो अभी टाइम इतना नहीं है, नहीं तो मैं आपको सारे मॉडल्स भी बताता कि किस मॉडल में कौन कौन सी ICs सपोर्ट करती हैं। कभी ऐसा होगा तो इस पर भी बात करेंगे कौन सी ICs किस में लगती हैं ना, ये जानकारी भी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता ये है ना कि आपके पास सामान होता है, आपके पास मतलब स्पेयर होता है, लेकिन आप सेम मॉडल ही ढूंढते रहते हो कि सेम मॉडल का मिले तभी लगाऊं तभी लगाऊं, ऐसे नहीं होता है। बहुत सारे मॉडलों में सेम IC यूज़ होती है। अभी देखिए मैं जैसे रिवॉल्व करने के लिए मेरे पास मैकबुक की स्टेंसिल नहीं है, या है तो मिल नहीं रही है, तो मैं अभी iPhone 12 की स्टेंसिल पर इसकी SSD IC रिवॉल्व कर रहा हूँ, मतलब इसकी SSD PMU रिवॉल्व कर रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास परफेक्ट आइटम हो तो ही आप काम कर पाओगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आप कर सकते हो। आपके पास कोई दूसरा मॉडल है तो भी आप कर सकते हो। तो हम ये ट्राई करेंगे कि हम लोग ये स्पेयर के ऊपर भी कुछ एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके आएँ। वैसे हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर इस पर काम कर रहे हैं, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस सब्जेक्ट पे। तो आप देखो हमने ये IC रिवॉल्व कर ली, ये 2141 में से मैंने निकाली थी, ये वही IC है। और अब हम अपने बोर्ड पे आ गए, IC लगाएंगे और देखेंगे क्या होता है। बात ये है ना कि कई कई बार जो ये सोर्स और नॉट का एक फॉर्मूला होता है कि जो सोर्स होता है ना, अगर नॉट का प्रॉब्लम है तो भी सोर्स ही हीट होता है। तो ये सोर्स है, सोर्स मतलब जो जनरेट करता है ना उसको बोलते हैं सोर्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में। तो सोर्स बेचारा हीट होता है और प्रॉब्लम होती है नॉट की, लेकिन फिर भी ये बहुत हाई सिम्टम दे रहा था। तो अकॉर्डिंग माई एक्सपीरियंस कि ये IC का ही इश्यू होगा, और हम देखेंगे ज़रूर कि क्या होता है। और जो इसकी पुरानी IC थी, आइए उसको थोड़ा सा देखते हैं, ओल्ड IC को। आप देखिए ये ब्लैक हो चुकी है, देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करके माइक्रोस्कोप में आप देखिए, तो ब्लैक हो गई है। मैं क्लीन करता हूँ, जहाँ पे 1.8 का आउटपुट है आप देखिए यहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है, और IC यहीं पे हीट हो रही थी। मतलब मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि अब इसको ऑन हो जाना चाहिए। बाकी आगे देखते हैं फिटिंग करके, मिलते हैं आगे। तो हमने इसका IC जो था SSD का पावर IC वो चेंज किया हुआ है, अभी देखते हैं कि शॉर्ट है कि चला गया है। तो थोड़ा पहले कैपेसिटर शॉर्ट कर लोगे ना तो क्या होता है कि आपको वैल्यू सही मिलती है, मैकबुक में ही ऐसा करना होता है, आईफोन में नहीं। तो आप देख सकते हो कि जो 1.8 SSD रैम था उसका अब यहाँ पे GR आने लगा है, और हम लोग एम्पियर मीटर लगा के देखेंगे कि क्या होता है। पहले ओनली 5 वोल्ट और ब्लिंकिंग कर रहा था, तो देखते हैं। मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसके लिए, देखिए 20 वोल्ट आ गया है, 0.5 0.4 एम्पियर भी उठा रहा है। तो मतलब इसकी 20 वोल्ट की सर्किट अब ठीक है, देखते हैं ये ऑन होता है कि नहीं। इसके लिए इसको फिट करना पड़ेगा, फिटिंग करके हम देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। ओके पूरा बोर्ड हमने फिटिंग कर लिया, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा था, बट एम्पियर जो था वो ये ना हायर मतलब ओके एम्पियर ले रहा था, और इसका टच बार भी प्रेस हो रहा था। तो हमें लगा कि इसको वो रिवाइव करना पड़ेगा। रिवाइव का मतलब होता है कि PC टू PC फ्लैश करना, C टाइप टू C टाइप फ्लैश करना पड़ता है, उसको रिवाइव देना पड़ता है। और बात ऐसी है कि इसका टच बार भी प्रेस हो रहा था, मतलब वाइब्रेट हो रहा था टच बार। तो हमें ऐसा लगा कि ये पक्का इसको रिवाइव करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि ये रिकवरी में ऑटोमेटिक कनेक्ट हुआ, मैंने नहीं कराया, और इसको मैंने फिर जैसे ही रिवाइव दिया तो एप्पल लोगो भी आ गया है। आप देख सकते हो कि एप्पल लोगो आ गया। एक्चुअली में ऐसा होता है इन केसों में कि SSD जो है ना वो थोड़ा सा डेड हो जाती है ना, जो SSD होती है वो थोड़ा सा डेड हो जाती है, और उसको जो है वो रिवाइव करना पड़ता है PC के थ्रू। अगर इसकी SSD में कोई भी प्रॉब्लम होता या हमारे काम में कोई भी प्रॉब्लम होता, तो ये एरर 9 या एरर 40 ऐसा कुछ भी एरर ये शो कर देता।
तो आप देख रहे हो कि ये रिवाइव हो रहा है सक्सेसफुली एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है और पूरा फाइनल पे जा रहा है ये। एक्चुअली में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसके बाद इस पर OS भी चढ़ाना पड़ेगा, वो और भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हम वो भी करेंगे। अब जैसे वहाँ पे लॉक सिंबल आ गया, मतलब अब ओके है, अब इसको OS चढ़ाना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि इसमें ग्लोब का सिंबल आ गया, मतलब अब ये OS चढ़ने के लिए रेडी है, मतलब OS इसमें हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इसका SSD का वोल्टेज शॉर्ट था और हमने इसको इसका SSD का IC चेंज किया, पावर IC, और अभी ये पूरा वर्किंग है। इसके बाद इसको रिवाइव करना पड़ा, सब कुछ था, तो आप देखिए कि इसके सारे फंक्शन भी काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने इसमें YouTube प्ले किया है, आप सुनिए इसको। थैंक्स फॉर वीडियो, और सब कुछ वर्किंग है। हम लोग ऐसे ही वीडियो आपके लिए नेक्स्ट लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।